बिग बॉस के घर में चला है मस्ती का माहौल, जहां एक तरफ पार्टी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ खिचड़ी डाली है टांगे। पर आखिरकार क्या हुआ, किसका लेग पुल हुआ, बताऊंगी सारी बातें इस वीडियो में। नमस्कार, मैं उत्तम ठाकुर स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल, जिस तरीके से आली कोनी मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं और मस्ती के मूड में वो कोई कारनामा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। वेल, आपको बता दूं कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ बिग बॉस के घर में पार्टी चल रही है, निकिता अंबोली वहां पर है, अभिनव शुक्ला है, रुबीना दिलायक है, सारे कंटेस्टेंट है, तो वहीं पर आली कोनी ने अचानक से शुरू करी निकिता अंबोली की मिमिक्री। जी हाँ, किस तरीके से गुस्से में निकिता अंबोली वॉक करके जाती है, ये सारी चीजें करके दिखा रहे हैं आली कोनी, जिस बात से निकिता अंबोली को गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़ जाती है। खैर, चिढ़ने के बाद में वो कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन बाकी सभी घर वाले जो है वो एंटरटेन हो रहे होते हैं। तो क्या इस चीज से आप लोग भी एंटरटेन हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आली कोनी एक अच्छे जो है एक नया प्रोफेशन जो है उन्हें मिल सकता है, वो भी मिमिक्री का? वैसे आपको बता दूं, एक और प्रोफेशन है जो आली कोनी को मिल सकता है, वो है हेयर स्टाइलिंग का। पर आपको बता दूं कि कल की लाइव फीड में मैंने देखा था, जब जिस तरीके से आली कोनी राहुल वैद्य के बालों को संवार रहे थे, तो ऐसा लगा कि नया प्रोफेशन तो उनके हाथ में आ ही चुका है। ऐसे में आप लोग जो है आने वाले समय पर, यानी कि आने वाले एपिसोड में जरूर देखेंगे किस तरीके से आली कोनी ने निकिता अंबोली की है मिमिक्री। भाई ये देखो, ये मेकर्स पे डिपेंड करता है दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। मैंने देखी, मैंने आपको बताई, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा होगा वो मंजर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।